मिथुन दा, जैसे आपने कहा मेरी गाड़ी पटरी पर आ गई थी, जब आपकी गाड़ी बहुत सही चल रही थी, उस बीच में आपने ये कैसे सोचा कि मैं ऊटी जाके सेटल हो जाऊं, वहां पर होटल्स खोलूं? Were you not insecure? I was not insecure about myself. But definitely insecure about my children. अच्छा, मैं I have got 3 sons and a daughter. Correct. और मैं immortal बनना नहीं है मुझे. ये एकदम focused है. Because I don't want to become immortal. तो मैंने सोचा कि जब iron is hot, heat it. अगर वही तकलीफ मेरे बच्चों को ना मिले, तो मैंने सोचा पहले इनको सिक्योर करूं. ऊटी एक मेरे लिए सुपरस्टिशन की जगह है. मेरी जितनी फिल्में देखी बनी शूट हुई है सब सुपर हिट है, और उस समय फिल्म इंडस्ट्री की सारी शूटिंग में वही होती थी. करेक्ट. तो आई थॉट कि वो 2-in-1 हो जाएगा. सो मैंने सरकार को अप्लाई किया, लोन हैज बीन सैंक्शन इमीडिएटली बिकॉज आई वॉज अ रनिंग सुपरस्टार. तो दिया, बट आपको सुन के खुशी भी होगी, मैंने पूरा 10 करोड़ रुपया सरकार का चुकाया, फिर नीचे आया, कवाया, जो भी बटावा. अभी एज ए फादर मैंने अपना फर्ज निभा दिया. आपकी मेरे ख्याल से ऊटी में 3 होटल्स हैं, मैसूर में भी है, मधुमलाई में है, और कोयम्बटूर में कैम्ब्रिज स्कूल है, स्कूल भी, दैट इज मोनार्क इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज, एंड सारे मेरे होटल मोनार्क में है. ये मोनार्क शब्द से दिलचस्पी क्यों? मोनार्क किंगडम, एंड किंगडम इज मेड बाय वन मैन. एंड फुटपाथ से इधर आया हूँ तो इस मोना वंडरफुल. सिलीगुड़ी में एक होटल खुल रहा है, एंड प्लान है कोलकाता एंड बैंगलोर. तो माय नेक्स्ट टारगेट इज दैट. तो इतना समय मिल जाता है आपको? मैं हर महीने में 6-7 दिन, मैं पिंकी मेरी बीवी, मैं अगर आउटडोर में हूँ तो पिंकी चली जाती है, 7 दिन हम निकालते हैं. आई बिलीव दैट राजा के सिवा राज नहीं चलता. किंगडम कैन नॉट बी रन विदाउट सो ट्रू. इसलिए महीने में 7 दिन तो आपको वहां बिताने ही है. यस यस. और मैं करता हूँ. अभी फादर का फर्ज निभा दिया. अभी 4 बच्चे क्या रखते नहीं रखते, दैट इज उनके ऊपर है.